5 fractions. So problem set 18 के सारे questions हम solve करेंगे one by one. First question है convert the given fractions into like fraction. So the first question is 3/4, 5/8. So बच्चों हमेशा याद रखिए like fraction के लिए आपको denominator same होना चाहिए. तो सबसे पहले हम करेंगे 3/4 का सोल्यूशन जहाँ पे डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है 8 में. सो 3/4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे. सो 3 टू जा 6 एंड 4 टू जा 8. सो इसका डिनोमिनेटर 8 आ गया. नाउ देयरफॉर 6/8 5/8 ये दोनों हमारे हो गए आंसर में लाइक फ्रैक्शंस. इस तरीके से लिख लीजिए. ओके ना सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन क्या है 3/5, 3/7. सो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करते हैं 7 5 35 कर लेते हैं. तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 में दोनों में एंड 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 में. सो शुरू करते हैं 3/5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 3 are 21 एंड 5 7 are 35. अब 3/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 5 3 are 15 एंड 7 5 are 35. अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. सो आंसर लिखेंगे देयरफॉर 21/35 15/35 दिस आर लाइक फ्रैक्शंस. ओके बच्चों थर्ड क्वेश्चन करेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए 4/5, 3/10. सो डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाएगा. सो फर्स्ट है 4/5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. 4 2 are 8, 5 2 are 10. Therefore, 8/10, 3/10, these are like fractions. So ये हो गया आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. सो फोर्थ है क्वेश्चन 2/9, 1/6. सो यहाँ पे हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. सो व्हाट वी विल डू मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 इन 2/9. सो यहाँ पे लिख देंगे 2/9 इज इक्वल टू 2 × 2 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 2 2 are 4, 9 2 are 18. अब 1/6 तो डिनोमिनेटर हमें 18 करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 1 × 3/6 × 3, 3 1 are 3 and 6 3 are 18. Therefore, 4/18, 3/18, these are like fractions. So this is solution for question number 4. We'll see question number 5. So it is 1/4, 2/3. So denominator same karna hai. Cross multiply karenge. First 4 ko multiply karenge 2/3 se. And then 3 ko multiply karenge 1/4 se. So first step. 1/4 is equal to 1 × 3/4 × 3. So it is 3/4, 3 are 12. Now, second step में क्या करेंगे 2/3 is equal to 2/4 and 2 multiplied by 4 and 3 multiplied by 4. So 4 2 are 8 and 4 3 are 12. Now therefore answer is 3/12 and 8/12 are like fractions. Okay, bachcha? So, ye ho gaya fifth ka solution. Ab hum karenge question number 6. So, question number 6, 7, 8. Sare hum solve karenge one by one. So, pehle question number 6 likh leti hu main yahan pe. Dekhiye, question number 6 hai 5/6, 4/5. सो डिनोमिनेटर हमें सेम करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 में एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 में.
सो फर्स्ट 5/6 इज इक्वल टू 5 × 5 एंड 6 × 5. 5 × 5 = 25 एंड 6 × 5 = 30. नाउ सेकेंड स्टेप, 4/5 इज इक्वल टू 4 × 6/5 × 6. सो 6 × 4 = 24 एंड 6 × 5 = 30. सो देयरफॉर आंसर 24/30, 25/30, 24/30, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर, सो 7th क्वेश्चन है 3/8, 1/6. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करेंगे. 3/8 = 3 × 6 एंड 8 × 6. 6 × 3 = 18 एंड 8 × 6 = 48. अब यहाँ पे करेंगे 1/6 = 1 × 8 एंड 6 × 8. सो 1 × 8 = 8 एंड 8 × 6 = 48. सो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 18, देयरफॉर 18/48, 8/48. सो ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन हो सकता है, या तो आप इसको कट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 से करते हैं. सो 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8. अब इसको भी 2 से करेंगे. सो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8. सो क्या आ गया हमारा, देयरफॉर 9/24, 4/24 इज लाइक फ्रैक्शन. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम. सो 1/6, 4/9. सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. सो 1/6 = 1 × 9/6 × 9. सो 9 × 1 = 9 एंड 9 × 6 = 54. सेकेंड 4/9 = 4 × 6/9 × 6. सो 6 × 4 = 24 एंड 9 × 6 = 54. बच्चों देखिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी आंसर हो सकता है, या तो हम इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं. देयरफॉर 9/54, 24/54. 3 की टेबल से करेंगे. 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 8 = 24. यहाँ पे कैसे होगा, 3 × 8 = 24 एंड 3 × 1 = 3 एंड 3 × 8 = 24. सो देयरफॉर 3/18, 8/18 इज आर लाइक फ्रैक्शंस. सो ये हो गया आंसर 8th क्वेश्चन का. थैंक यू.